नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी। तो आज की कहानी में है सूरजभान सिंह की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी तब जब सूरजभान सिंह का नाम चमकने लगा और अरेस्टिंग हुई बहुत रहस्यमयी। इसके बाद जब पहचान हुई तो तैयारी उत्तर प्रदेश ले जाने की, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मोस्ट वांटेड था श्री प्रकाश शुक्ला और उसके उस्ताद थे सूरजभान सिंह। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यूपी से एसटीएफ की टीम, स्पेशल टास्क फोर्स की टीम स्पेशल फ्लाइट से पटना आती है, तैयारी पूरी होती है, लेकिन अचानक एक फोन आता है और तैयारी रणनीति बदल जाती है। तो ये कहानी, तारीख मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं डायरी में खोज भी रहा था, शायद तारीख नहीं लिखी है, लेकिन बात 1997 की होनी चाहिए। तब सूरजभान सिंह, श्री प्रकाश शुक्ला, इन लोगों का नाम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सर चढ़ कर बोल रहा था। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ बन गई थी देश का पहला एसटीएफ, जिसे किसी भी तरीके से इस गिरोह को नेस्तनाबूद करना था, जिंदा या मुर्दा। कहा जाता था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को मारने की सुपारी भी 6 करोड़ रुपए में ले लिए है। हालांकि इस कहानी के भीतर भी कई लोचा है, जब श्री प्रकाश शुक्ला पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो इस पर भी आएंगे। बहरहाल, श्री प्रकाश शुक्ला का उस्ताद सूरजभान सिंह, देखिए 1997 के पहले ही सूरजभान सिंह को पैर में गोली लगी थी, पुलिस की गोली, और वो भी मोकामा के शंकरवार टोला में ही। एक रात जब पुलिस टीम छापा मारने गई थी तो हुआ कुछ ऐसा कि गोलियां चल गई। पुलिस पार्टी को नहीं पता था कि सूरजभान सिंह से मुकाबला होना है, तो सूरजभान सिंह के साथ रहे लोगों ने भी गोली चला दी, पुलिस वाले ने भी गोली चला दी। सूरजभान सिंह के पैर में गोली लगी। पुलिस टीम को जो लीड कर रहे थे सब इंस्पेक्टर, उन्हें भी गोली लगी। इतने हथियार सूरजभान सिंह के साथ रहे लोगों के पास थे कि वे पुलिस टीम को खत्म कर सकते थे, लेकिन जो बड़े डॉन होते हैं मोकामा बरहिया के बार के, मैंने उनका एक ट्रेन देखा है, वे पुलिस वालों से मुकाबला नहीं करना चाहते हैं, गोलियों से भागने का रास्ता खोज लेना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब पुलिस से मुकाबला होता है तो पूरा महकमा उनके खिलाफ पड़ जाता है। कहने वाले यह भी कहते हैं कि जिस पुलिसकर्मी को गोली लगी थी बदले में, उसे सूरजभान सिंह के साथियों ने बाद में ब्लड भी दिया था। तो खैर, सूरजभान सिंह के पैर में गोली लग गई और पैर का ऑपरेशन होना था। पटना में चुपके से लाया गया। पटना के कुछ डॉक्टरों ने, जो उनके स्वजातीय भी थे, ने ऑपरेशन किया। तत्काल राहत तो मिल गई, लेकिन बहुत दिनों तक यह राहत ठीक से नहीं मिल पाई। पैर सड़ने लगा और लगा कि पैर को काटना पड़ेगा। सूरजभान सिंह तब तक इतना बड़ा डॉन बन चुका था कि कहीं स्थायी रूप से रहकर इलाज कराना और छुपना संभव नहीं था। तो यहां से वहां भागना, वहां से यहां भागना, बिहार की पुलिस, यूपी की पुलिस, दिल्ली की पुलिस तलाश रही थी। श्री प्रकाश शुक्ला को दबोचने का रास्ता भी सूरजभान सिंह ही हो सकता था। श्री प्रकाश शुक्ला का कहर तो लगातार जारी ही था। तो इलाज भी एक चुनौती थी। जब स्थिति बिगड़ी तो फैसला यह हुआ कि इलाज के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया जाए। तब अपोलो अस्पताल का बड़ा नाम था। कहते हैं कि लोग लेकर पटना से चले, या मोकामा से, या और भी कहीं से, जिसमें उनके शागिर्द और अभी के भाजपा के एक नेता भी शामिल थे। इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते बाई रोड जा रहे थे, स्थिति बहुत खराब होने लगी।
गाड़ी में ही सूरजभान सिंह की चिल्लाहट शुरू हो गई क्योंकि यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। पेशाब तो बहुत तेज लगा था लेकिन डिस्चार्ज हो ही नहीं। अब लगने ऐसा लगा कि जान ही निकल जाएगी। तो जो खबर है, जो इनपुट है, उसके मुताबिक यह तय हो गया कि इस सूरत में दिल्ली पहुंचना संभव नहीं है। तो इलाहाबाद पहुंचने के पहले ही जब स्थिति बिगड़ने लगी थी तो लोगों ने फिर से श्री प्रकाश शुक्ला से संपर्क साधा। श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्काल इलाहाबाद के एक अस्पताल की व्यवस्था करा दी कि वहां जाइए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उस्ताद का, दादा का, सूरजभान सिंह को दादा ही कहा करता था श्री प्रकाश शुक्ला, जैसे सब लोग कहते हैं। तो सभी लोग सूरजभान सिंह को लेकर उस अस्पताल में पहुंच गए। वह अस्पताल मूल रूप से हड्डी रोग का इलाज करता था। तो सूरजभान सिंह अस्पताल पहुंचते पहुंचते चिल्ला रहे थे, नाम बदला हुआ था। बताया ये जा रहा था कि जमशेदपुर में दुर्घटना हुई है जिसमें पैर क्षतिग्रस्त हुआ है। तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, ऐसी व्यवस्था तो करा ही देते हैं कि यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगा ताकि तुरंत रिलीफ मिल जाए, ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। लेकिन सूरजभान सिंह की चिल्लाहट इतनी तेज़ थी और यूँ कहें कि पेन इतना अधिक था कि वे कुछ भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। डॉक्टर से देरी हो रही थी या तैयारी में देरी हो रही थी तो सूरजभान सिंह ने अपना नाम स्वयं ही बता दिया कि मेरा नाम फला नहीं, मैं फला हूँ, और अंडरवर्ल्ड में मेरी हैसियत क्या है, मैंने क्या क्या किया है, सब कुछ बता दिया। अब तो डॉक्टर के होश ही उड़ गए क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला का भी नाम आ चुका था। तो डॉक्टर को लगा कि अब करें तो क्या करें, ना करें तो परेशानी, करें तो परेशानी। तो डॉक्टर ने बाहर आकर, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर सूरजभान सिंह के साथ रहे लोगों से कहा कि आप लोगों ने झूठ क्यों बोला, आपने जो नाम बताया वह नाम तो इस व्यक्ति का है ही नहीं, ये व्यक्ति तो मोस्ट वांटेड है। तो खैर लोगों ने कबूल कर लिया। उधर से श्री प्रकाश शुक्ला लगातार संपर्क में था। श्री प्रकाश शुक्ला की हैसियत इतनी अधिक हो गई थी कि कोई बात तो उठा नहीं सकता था। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए, यूरिन तो डिस्चार्ज हम करा देते हैं, हम बाकी ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मतलब जो पैर सड़ रहा है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी, हिफाजत की जिम्मेवारी आपको उठानी होगी। तो जैसी जरूरत थी लोगों को लगा कि चलो कोई तो खुराक मिल गई जो कह रहा है कि तुरंत ऑपरेशन भी कर सकते हैं, अपोलो जाने की जरूरत क्या है। तो ऑपरेशन भी वहीं हो गया, लेकिन दो ही तीन दिनों के भीतर में यह बात लीक हो गई कि इलाहाबाद के अस्पताल में सूरजभान सिंह का इलाज चल रहा है। यह खबर यूपी की एसटीएफ को लग गई। अब ये इनपुट तो यूपी के एसटीएफ के लिए रामबाण जैसा था कि जैसे ही सूरजभान सिंह की गिरफ्तारी हुई नहीं कि श्री प्रकाश शुक्ला भी पकड़ा जाएगा। तो एसटीएफ, अब चूंकि मसला सूरजभान सिंह का था, मसला श्री प्रकाश शुक्ला का था, तैयारी करनी पड़ती थी। तो एसटीएफ अहले सुबह तैयारी के साथ धावा बोलने अस्पताल पहुंच गई, या पहुंच रही थी कहें, क्योंकि हुआ कुछ दूसरा ही। पर यूपी की एसटीएफ में भी छेद था या इलाहाबाद पुलिस में भी छेद था। कहा यह जाता है कि एसटीएफ जब हॉस्पिटल के भीतर घुस रही थी तब तक श्री प्रकाश शुक्ला को यह जानकारी मिल चुकी थी कि यूपी की एसटीएफ अस्पताल पहुंचने वाली है सूरजभान सिंह को अरेस्ट करने। तो उसने तुरंत अलर्ट किया और तुरंत जैसे तैसे, कहा यह जाता है कि गेट से एक ओर यूपी की एसटीएफ की एंट्री हो रही थी और दूसरी ओर सूरजभान सिंह का एम्बुलेंस वहां वैन से निकल गया बाहर। तो एसटीएफ पहुंच गई, एसटीएफ को वहां सूरजभान सिंह की मौजूदगी का कोई निशान नहीं मिला। जो कुछ पूछताछ की जाती वो पूछताछ हुई, बात
खत्म हो गई। अब सवाल यह पैदा हुआ कि सूरजभान सिंह को छुपाया कहां जाए। यूपी की एसटीएफ को यह खबर थी कि यूपी में है, तो यहां वहां लगातार छापेमारी चल ही रही थी, तो कुछ दिनों तक वाराणसी रखा गया, फिर नेपाल में जाकर छुपाया गया जहां कुछ इलाज संभव हुआ। इसमें भोला तिवारी और दूसरे लोगों ने मदद की जैसा बताया जाता है। खैर, तो इलाज हुआ नेपाल में, लेकिन अब सूरजभान सिंह को बिहार भी चाहिए था, यूपी भी चाहिए था। बहुत लंबा भाग नहीं सकते थे, नेपाल तक एसटीएफ पहुंच गई थी। तो ये बात इन लोगों ने तय कर ली कि अब सूरजभान सिंह को सुरक्षित जेल के भीतर पहुंचा देना है, तभी इलाज संभव हो पाएगा और जान की हिफाजत भी रहेगी। तो देखिए, सूरजभान सिंह जिसे सब लोग कहते हैं दादा, एक शौक है जुआ खेलना। जुआ में सूरजभान सिंह कुछ भी दाव लगाते हैं। तो अब यह रणनीति किसने बनाई, लेकिन सटीक बैठी कि सूरजभान सिंह को जुआ के एक अड्डे से गिरफ्तार करा दिया जाए और गिरफ्तारी में असली नाम को तब तक गुप्त रखा जाए जब तक जेल पहुंच न जाए। तो स्थान और ठिकाना चुना गया नालंदा जिला, बिहार शरीफ, लहेरी थाना। दिन का ही वक्त था, कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने रेड मारा। अब पुलिस असली बात से कितनी वाकिफ थी मुझे नहीं पता, लेकिन जुआ खेलते कई लोग गिरफ्तार किए गए। जुआ खेलना अपराध है, और जो लोग गिरफ्तार किए गए वो जेल पहुंच गए। छोटी सी खबर सब जगह छपी, क्योंकि जुआ खेलती गिरफ्तारी बहुत बड़ी खबर नहीं बनती थी, और फिर जो नाम थे वे नाम ऐसे नहीं थे जो बड़ी खबर की जगह लेते। लेकिन दो दिनों के बाद यह पर्चा आउट हुआ, और यह खबर भी शायद हमने ही छापी आज अखबार में, कि जो लोग जुआ खेलते गिरफ्तार किए गए थे बिहार शरीफ के लहेरी में, उसमें एक व्यक्ति सूरजभान सिंह तब का सबसे बड़ा डॉन था, नाम बदलकर पकड़ा गया। जैसे ही यह बात आउट हुई, हंगामा मच गया, कोहराम हो गया, सरकार भी सकते में आ गई, पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई। जानकारी यूपी की एसटीएफ को हुई, यूपी की एसटीएफ को तब तमाम राइट्स दिए गए थे, बुलेट प्रूफ जैकेट था, AK-47 था, सब कुछ था। और इस बात की भी सुविधा दी गई थी कि जब जैसी जरूरत हो वे उत्तर प्रदेश की सरकार के जहाज का इस्तेमाल बिल्कुल इमरजेंसी मोड में कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं होगी। तो जैसे ही सूरजभान सिंह की गिरफ्तारी की खबर मिली बिहार शरीफ में, बदले हुए नाम से यूपी की एसटीएफ स्पेशल फ्लाइट से पटना पहुंच गई और तमाम एसटीएफ के बड़े अधिकारी उसमें शामिल थे, सभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए, AK-47 लिए हुए। ऐसा लगा कि सूरजभान सिंह का काम तमाम बिहार में ही कर दिया जाएगा। अब सवाल यह पैदा हुआ कि एसटीएफ के अधिकारियों के साथ सूरजभान सिंह की मुलाकात कहां होगी। तो जगह तय हुई पटना जिले का बख्तियारपुर थाना। मुझे याद है तब अकेले सूरजभान सिंह को लाने के लिए बिहार शरीफ से बख्तियारपुर तक के रास्ते में 33 पुलिस की गाड़ियां चली, 33, जिसमें सैकड़ों हथियारबंद जवान थे। बख्तियारपुर थाना लाया गया, तब बख्तियारपुर थाना के SHO हुआ करते थे प्रमोद कुमार, अब नहीं रहे, बहुत ही मिजाज वाले और बहुत ही कड़क।
तो बख्तियारपुर थाना ले आया गया सूरजभान सिंह को, हाजत में बंद कर दिया गया। बिहार पुलिस के किसी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं थी बिहार शरीफ से बख्तियारपुर लाते हुए कि एक शब्द भी कोई पूछ ले, लेकिन प्रमोद कुमार करक वाले थे। कहा जाता है कि प्रमोद कुमार ने पिस्टल निकाल लिया था, लेकिन सूरजभान सिंह ने कहा कि जो करना है आप कर लीजिए, अभी तो मैं आपके हवाले हूं। तो पटना में यूपी की एसटीएफ लैंड कर चुकी थी, अब वो पहुंची बख्तियारपुर थाने। 1997 की बात कर रहा हूं, देखिए मोबाइल तो आ गया था पटना में, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क बख्तियारपुर में काम नहीं करता था। तो यूपी की एसटीएफ अब बख्तियारपुर थाने में थी, जहां सूरजभान सिंह भी थे। दोनों का आमना सामना हुआ। अब एसटीएफ की इतनी हिम्मत तो नहीं कि वो बख्तियारपुर थाने में देह तोड़ना शुरू कर दी, वो भी सूरजभान सिंह का। तो प्रारंभिक पूछताछ हुई, शिवप्रकाश शुक्ला का ठिकाना पूछा गया, सुधीर प्रताप सिंह के बारे में पूछा गया, सुधीर त्रिपाठी के बारे में पूछा गया, अनुज प्रताप सिंह के बारे में पूछा गया। तो सूरजभान सिंह तो बड़ा डॉन बन ही चुके थे, घाक थे। तो अब यह हुआ कि सूरजभान सिंह को लखनऊ ले जाया जाएगा, क्योंकि असली तांडव तो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा था। तो लखनऊ ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की जरूरत थी। ट्रांजिट रिमांड कोर्ट देता है, कोर्ट की औपचारिकताएं होती हैं। तो इसके लिए औपचारिकताओं के निर्वहन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मतलब यह तय हो गया कि अब सूरजभान सिंह को लखनऊ ले जाया जाएगा। लखनऊ ले जाने का मतलब यह समझ लिया सूरजभान के साथियों ने या अंडरवर्ल्ड में उनके समर्थकों ने कि यूपी जाने का मतलब है कि सूरजभान सिंह का खात्मा, क्योंकि तब एसटीएफ इसी मोड में थी। तो चुनौती यह पैदा हुई सूरजभान सिंह के समर्थकों के बीच कि किसी भी तरीके से सूरजभान सिंह को बिहार में ही रोका जाए और यूपी की एसटीएफ को वापस किया जाए। अब यह संभव कैसे हो, कौन करे इस काम को, कैसे दबाव बने, कैसे जुगाड़ लगे, कौन सी सिफारिश काम आवे। एसटीएफ का पटना आना, बख्तियारपुर थाना पहुंचना, सूरजभान सिंह से सामना होना, सब कुछ जहां भी था शिवप्रकाश शुक्ला को पता चल चुका था। तो कारीगर तो था ही उसका। कहा यह जाता है कि उसने एक हरे रंग की मारुति बैन, अब यह बैन किसकी थी, चोरी की थी, लूटी हुई थी, पता नहीं, एक अन्य मार्ग मतलब मुख्यमंत्री निवास के बाहर खड़ी करा दी पटना में, और फिर लैंडलाइन पर फोन करा दिया कि यदि सूरजभान सिंह का कुछ हुआ तो समझ लीजिए कि हम आपके कितने करीब पहुंच चुके हैं। तब तक शिवप्रकाश शुक्ला का आतंक तो सर चढ़ कर बोल ही रहा था। जैसे ही लैंडलाइन पर यह खबर या संदेशा मुख्यमंत्री निवास में पहुंचा, हरकंप मच गया। सचमुच बाहर में एक हरे रंग की वैन खड़ी थी। तब सीसीटीवी और ये सब इतने फलना दिखना नहीं थे। तो ये पता चल गया कि देखिए अब शिवप्रकाश यहां तक या उसके जो लड़के हैं यहां तक पहुंचे हुए हैं। शिवप्रकाश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हत्या चाहता है, कल्याण सिंह की सुपारी लिए हुए है, यह भी खबर थी। तो एक डर सा माहौल पैदा हुआ, लेकिन बात सिर्फ इतने भर से नहीं बननी थी। तो अब एक दूसरे तरीके की पैरवी भी खोजी गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, केंद्र में मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री। कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता 36 का। तो अब यह सोचा गया कि किसी तरीके से मुलायम सिंह यादव से संपर्क किया जाए उनके साथियों के द्वारा, क्योंकि एसटीएफ में ऐसे भी कई लोग थे जो आए हुए थे जिनका संवाद मुलायम सिंह यादव से था, और मुलायम सिंह यादव की हैसियत इतनी बड़ी थी
कि उनकी बात कोई उठा नहीं सकता था। तब पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार के, और पटना के पुनाईचक मोहल्ले में रहा करते थे। तो कुछ लोग श्री प्रकाश के पप्पू यादव के यहाँ पहुँच गए। हालांकि शुरुआती रिश्ते अच्छे नहीं थे, पप्पू यादव के कई लोगों की हत्या श्री प्रकाश शुक्ला ने कर दी थी, लेकिन अब संबंध दोस्ताना होने जा रहा था, या पिछले कुछ महीने से दोस्ताना संबंध की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कहा यह जाता है कि पप्पू यादव ने मुलायम सिंह यादव से संवाद स्थापित किया गया। पप्पू यादव ने पहले दिल्ली फोन किया, मालूम हुआ नेताजी, मुलायम सिंह यादव को लोग नेताजी ही कहते हैं, दिल्ली में नहीं है, वे इटावा में हैं। तो इटावा में पप्पू यादव ने बात करी। फिर इसके बाद खबर ये आई कि मुलायम सिंह यादव इस बात की पैरवी के लिए चुपके से तैयार हो गए कि वे एसटीएफ में शामिल वे पदाधिकारी जो बिहार आए हुए हैं और उनके करीब हैं, उन्हें फ़ोन कर कहेंगे कि लखनऊ लाने की ज़रूरत नहीं है सूरजबान को। पर अब बड़ा सवाल ये था कि बख्तियारपुर थाने में मोबाइल तो काम करे नहीं, इसलिए जो एसटीएफ के अधिकारी पदाधिकारी आए हुए थे जिनके पास मोबाइल फ़ोन भी था, उस पर संवाद स्थापित नहीं हो सकता था। इधर ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया को पूर्ण करने की तैयारी तेज़ी से चल रही थी। तब ऐसी सूरत में कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव को बख्तियारपुर थाने का लैंडलाइन नंबर दिया गया। अब कुछ देर के बाद इस लैंडलाइन नंबर पर उनका फ़ोन आया, और फ़ोन आते ही एक संबंधित प्राधिकारी जो यूपी के एसटीएफ के थे, उन्हें खोजा गया। मालूम हुआ कि वे वहीं हैं, दोनों लाइन पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा नहीं कहा, देखिए ये जितनी बातें हैं ये अंडरवर्ल्ड में कही हुई बातें हैं, यदि आप आधिकारिक तौर पर किसी को कबूलने को कहेंगे तो कोई कबूलेगा नहीं। तो दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत के बाद ये कहा जाता है कि ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ले जाने की जो तैयारी थी वो तैयारी बिल्कुल ढीली पड़ गई, और यह कहा जाने लगा कि अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जिस तरीके का तांडव है श्री प्रकाश शुक्ला और सूरजभान के लोगों का, यदि सूरजभान को लेकर लखनऊ गए जेल के भीतर अब कोई इनकाउंटर तो संभव है नहीं, तो ऐसे में लखनऊ में गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। सूरजभान सिंह की उस्तादी को सब समझते थे, उन्हें लगा कि लखनऊ जेल में कनेक्शंस बढ़ेंगे, इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, और इस प्रकार से जो अशांत है लखनऊ उत्तर प्रदेश, वह और तबाह हो जाएगा। तो अब यह नया लॉजिक आ गया कि नहीं, कुछ भी हो लखनऊ नहीं ले जाना है। यूपी के एसटीएफ के जो भी पदाधिकारी आए थे लखनऊ से, वे अब बैरंग वापस होने लगे। तो इस तरीके से लखनऊ नहीं ले जाने का निर्णय हो गया। सूरजभान सिंह की जान बच गई, क्योंकि खतरा इस बात का था कि यदि लखनऊ ले जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। अब सूरजभान सिंह को बाढ़ जेल भेजा गया, क्योंकि सूरजभान सिंह के खिलाफ जो कुछ मामले थे बिहार में उस समय, उन मामलों में सर्वाधिकता मोकामा का ही था, पुराना मामला था, और मोकामा बाढ़ सब डिविजनल कोर्ट के अधीन था। तो सूरजभान सिंह बाढ़ जेल पहुंच गए जुआ के एक अड्डे से, दूसरे नाम से गिरफ्तार होकर इस तरह आगे आगे कैसे कैसे होते होते आगे क्या हुआ, कैसे बेऊर जेल में आए, फिर कैसे ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई, यह आपको हमने पहले बताया है। तो आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिएगा खबरों के पीछे को। हम जल्द ही आपको बताने जा रहे हैं ब्रज बिहारी प्रसाद की कहानी। ब्रज बिहारी प्रसाद के खात्मे की कहानी तो आपको हमने बता दी है, लेकिन ब्रज बिहारी प्रसाद आखिर चीज क्या थे? देखिए, ब्रज बिहारी प्रसाद चाहे जितनी बड़ी चीज थे, वे शूटर कभी नहीं थे।
मतलब गोली चलाने वाले कभी नहीं थे, वे सेटर थे और बड़े सेटर थे, और सेटिंग ने ही उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन आखिरी मुकाम गंदी मौत मिली गोलियों से। तो ये कहानी भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।